वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एंड इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था काइनेटिक्स ऑफ कंसेक्यूटिव रिएक्शन। अगर आपने वो वीडियो देखनी है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं नेट में भी गेट में भी। इसके बाद वीडियो के एंड में हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन जो कि आया हुआ है नेट दिसंबर 2016 में। इस क्वेश्चन से आपके बहुत से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखते रहे। तो कॉम्प्लेक्स स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम यूज किस में करते हैं या इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन यूज किस में करते हैं, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में। दो तरह की टाइप्स होती है रिएक्शंस की, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, सेकेंड होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट ना हो, मतलब हमें ए से प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो ए जो है वो पहले बी में चेंज होता है, उसका रेट कांस्टेंट के वन है। बी जो है फिर सी में चेंज होता है, इसका रेट कांस्टेंट के टू है। अब सी जो जाके वो जाके चेंज होता है प्रोडक्ट में, मतलब ये एक स्टेप में रिएक्शन ना होके मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन हो रही होती है। तो ऐसी रिएक्शन का जो रेट है वो कौन डिसाइड करता है? ऐसी रिएक्शन का जो रेट है वो डिसाइड करता है इन तीनों में से सबसे स्लो स्टेप। लेट्स से मैं इसको बोल रही हूँ कि ये स्लो स्टेप है, तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा? वो होगा रेट इज इक्वल टू के टू इंटू बी। फाइन। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये आ गया रेट, तो क्या रेट लॉ क्या कहता है कि जो भी रेट है किसी भी रिएक्शन का वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए अनस्टेबल स्पीशीज का। तो बी जो है वो क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। इन केस अगर ये अनस्टेबल है, वी हैव टू एलिमिनेट दिस अनस्टेबल स्पीशीज फ्रॉम द रेट लॉ, मतलब हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब इसको कैसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर हम उसके बाद आती है वाली टर्न आती है अप्रोक्सीमेशन की। दो तरह की अप्रोक्सीमेशन होती है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एंड सेकेंड इज इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ओके, इस पे क्वेश्चंस आने की जो फ्रीक्वेंसी है एग्जाम में काफी ज्यादा है, नेट में भी आते हैं और गेट में भी आते हैं, ठीक है? तो हम इसको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन या कोई भी अप्रोक्सीमेशन क्यों यूज कर रहे हैं? टू एलिमिनेट द अनस्टेबल स्पीशीज फ्रॉम द रेट लो। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन की। किसकी बात करते हैं? इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन ये किस पे लगती है? इट अप्लाई ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए बी जो चेंज हो रहा है सी और डी में, इस पे लगती है इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। सो इस केस में जो के इक्विलिब्रियम है, या वी कैन से सिंपली हम इसको ज्यादा कंफ्यूज ना करके ऐसे लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट के वन बाय के टू इज इक्वल टू सी बाय ए। यहाँ पे हमने लगा दी इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, और वी कैन से के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सी बाय डी, राइट? तो ये कहाँ किस पे लगती है इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन? जो लगती है वो लगती है रिवर्सिबल स्टेप पे, एंड द फास्ट जो फास्ट रिवर्सिबल स्टेप है उस पे हम लगाते हैं, ठीक है? जो भी अनस्टेबल स्पीशीज है बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम उसको एलिमिनेट कर सकते होते हैं, ठीक है? तो हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा क्या कहना चाहते हो, क्योंकि अभी तो आपको इतना समझ आया होगा कि ये इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन है। इसको हम के इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, जो सी बाय डी के प्रोडक्ट अपॉन, हमें पता है फ्रॉम इक्विलिब्रियम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है? अब बात करते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की, जो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक है? इससे थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन सबसे पहले किस पे लगती है? ओनली फॉर शॉर्ट लिविंग स्पीशीज। किस पे लगती है? वी कैन से किस पे लगती है शॉर्ट लिविंग स्पीशीज? आपको अगर आइडिया हो कौन से होते हैं शॉर्ट लिविंग स्पीशीज, ये क्या कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट्स।
इंटरमीडिएट्स भी मैंने करवाए हुए अपने चैप्टर अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, कार्बोकोटाइन इंटरमीडिएट वगैरह करवाया हुआ है। सो शॉर्ट लिविंग स्पेशीज जो है वो किस पे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगते हैं इंटरमीडिएट पे। ये इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो ये इंटरमीडिएट है इनकी रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और वी कैन आल्सो से कि जो डी इंटरमीडिएट बाय डीटी, मतलब इंटरमीडिएट की कंसेंट्रेशन चेंज होनी विद टाइम वो क्या है, जीरो। और हम यहाँ पे लगो सकते हैं इंटरमीडिएट के केस में कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जितनी स्पीड से ये बन रहा है उतनी ही स्पीड से ये खत्म होते जा रहा है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। अभी एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ, फिर आपको थोड़ा आइडिया लगेगा क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली इसमें यही है, जब भी हम स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो हम इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं, जो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो ही है इसका इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, राइट। सो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन लास्ट में, इससे आपका जो भी सारा डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल ली जिसमें ए जो बी है वो किसमें चेंज हो रहा है, सी में, और सी जो है वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। तो आपको ना मेंशन भी होता है कि किस पे लगानी है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन है यू हैव टू अप्लाई स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑन सी। ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये क्या है, स्लोएस्ट स्टेप। तो वी नो कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। लेट्स से इसका जो है रेट कॉन्स्टेंट के वन है और इसका क्या है के टू, तो इसका जो रेट है वो क्या होगा, रेट किसके थ्रू दिया जाएगा, रेट इज इक्वल टू के टू सी। पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो सी है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। सो रेट लॉ पे हम ये सी तो ले ही नहीं सकते, सो वी विल अप्लाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑन सी, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑन सी, ठीक है। सी पे लगाएंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो सी का इसका मतलब क्या है, जितनी स्पीड से सी बन रहा है उतनी ही स्पीड से सी खत्म होते जा रहा है। तो पहले हम सी जो कब किस रिएक्शन में बन रहा है, इस रिएक्शन में, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, नाउ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सी, डी की जो सी की फॉर्मेशन है उसी का रेट जो है वो इक्वल है उसकी डिफॉर्मेशन में। और फॉर्मेशन किस रिएक्शन में हो रही है, फर्स्ट वाली रिएक्शन में। तो फॉर्मेशन क्या है, के वन इंटू ए इंटू बी, ये रेट है ना फॉर्मेशन का सी का। उसको उसके बाद जो डिफॉर्मेशन है वो कहाँ हो रही है, डिफॉर्मेशन मतलब सी जो है वो खत्म कहाँ हो रहा है, इस रिएक्शन में। सो वी कैन से के टू सी, यही है डिफॉर्मेशन। यहां से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी के वन ए बी डिवाइडेड बाय के टू, ये आ जाएगी सी की कंसेंट्रेशन। अब रेट जो था वो क्या दिया जा रहा था इस रिएक्शन का, के टू इंटू सी। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ सी ऑन दिस इक्वेशन, ठीक है। सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा के टू, सी क्या है के वन ए B डिवाइडेड बाय के टू, के टू से के टू कैंसल हो जाएगा और रेट आ जाएगा के वन ए इंटू बी, ठीक है। ऐसे हमने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगानी है, सिंपल सा है। अब इस क्वेश्चन से आपका जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन को रीड करो और खुद से करने की कोशिश करो कि आप खुद कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को, खुद से करने की कोशिश करो। पहले जो रिएक्शन है वो देखो,
ए प्लस बी जो है वो उसके टू सी बन रहे हैं, ए प्लस सी जो है वो डी में चेंज हो रहा है। तो इसमें ना ये मेंशन था कि ये जो था वो क्या है, स्लो स्टेप है। हमने निकालना क्या है, हमने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगानी है सी से, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डी विल इंक्रीज। हमने रेट ऑफ प्रोडक्शन डी का रेट कैसे इंक्रीज होगा, हम अगर ए को क्या कर दें, डबल कर दें, उसके लिए रेट निकालने का, रेट का रिलेशन निकालने के लिए वी शुड नो द रेट लॉ एक्सप्रेशन। वही हमने इस रिएक्शन से निकालना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए तभी हम रिलेशन निकाल पाएंगे। अगर हम एक कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो अज्यूम हमें एक और चीज गिवन है, वो है ये वाली चीज, ये हम इसको यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए। ओके सो इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या है, वो किस पे गिवन होगा, इज इक्वल टू के टू, क्योंकि ये स्लोअर स्टेप है ना, तो रेट जो है वो ये वाली रिएक्शन देगी। सो इज इक्वल टू के टू इंटू ए इंटू सी, राइट, रेट दे दिया इसने। उसके बाद सी पे हमने लगानी है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, मतलब कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, फॉर्मेशन होनी सी की एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सी क्या है, सेम है, ठीक है, ये लिख लेना, ऑफ सी सेम है, ठीक है। अब हमने पहले हमने निकाला है कि फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, रेट की फॉर्मेशन हो रही है, रेट इज इक्वल टू के वन इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है सी की। पर आप यहाँ पे देख सकते हो ये रेट है रिएक्शन का, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन लिखे उसका रेट जो है वो है ये वाला, है ना, ये वाला रेट है, विच इज इक्वल टू वन बाय टू डी सी बाय डी टी। रेट जो है वो किसके इक्वल होगा, वन बाय टू डी सी बाय डी टी ना, रेट डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू वन बाय टू डी सी बाय डी टी एंड विच इज इक्वल टू के वन, ये होगा रेट ऑफ फ्रैक्शन, अगर फर्स्ट फ्रैक्शन का अगर हम रेट देखें। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेशन देखनी है सी की, ये मैंने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया हो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, और मे बी नेक्स्ट वीडियो में, जिसपे हम ये सब देखते हैं कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, के इंटू ए वन, और फॉर्मेशन पे हम क्या यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहां से जाकर देख सकते हो। अब हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी चाहिए हमें, जो कि है डीसी बाय डीटी, तो डीसी बाय डीटी जो है वो किसके इक्वल होगा, टू के वन इंटू ए इंटू बी, इसके इक्वल होगा डीसी बाय डीटी, है ना। तो ये तो हमें पता लग गया, फॉर्मेशन का रेट पता लग गया, जो कि है टू के वन इंटू ए इंटू बी, राइट। अब हम डिफॉर्मेशन की बात करें, डिफॉर्मेशन में जो 2c है वो चेंज हो रहा है a और b में, इसका जो रेट है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और हम कह सकते हैं रेट ऑफ बैक फ्रैक्शन, वो किसके इक्वल है, k इनवर्स इनटू c स्क्वायर, है ना, k इनवर्स c स्क्वायर के इक्वल है, विच इज आल्सो इक्वल टू 1 बाय 2 dc बाय माइनस, है ना। हम कभी भी कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करते रेट में, रेट में सॉरी कोफिशिएंट हमेशा डिवाइड में चला जाता है। जो बैक रिएक्शन है, लेट्स से बैक रिएक्शन में इसको ऐसे लिख रही हूं, ऐसे रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इसका जो रेट है रिएक्शन का वो क्या होता है, 1 बाय 2 डीसी बाय डीटी इज दिस इक्वल टू के इनवर्स इनटू दिस वन सी स्क्वायर। और अगर हमने डीसी, ये होगा डिक्रीज होना, सी जो है वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव आएगा। अब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा, मतलब डीसी बाय डीटी हमने निकाला है, हमने बोल दो उसका हाफ निकालना है, तो ये टू उधर चला जाएगा, टू के इनवर्स सी स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो वो वाली वीडियो जाके देखो, फिर आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। वैसे एक बार इसको फिर से देख लेना तो समझ आ जाएगा कि हमने यहाँ पे डिफॉर्मेशन ऑफ सी निकालना है, हमने रेट नहीं निकालना, तो इसलिए हम यहाँ पे टू ले रहे हैं, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन ऑफ सी आ जाएगा टू के इनवर्स सी स्क्वायर इनटू प्लस, सॉरी प्लस, क्या सिर्फ यही से डी खत्म हो रहा है, सी खत्म हो रहा है, यहां से सी जो है वो चेंज नहीं हो रहा डी में, तो ये भी तो काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी डिफॉर्मेशन का रेट क्या है, के टू इंटू ए
इंटू सी। अब यहाँ पे हम टू वन कुछ नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे सी सिर्फ एक ही है, दो नहीं है, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। यहां से हम निकालेंगे सी की वैल्यू, क्योंकि सी की वैल्यू हमें प्रॉब्लम दे रही है जो कि रेट है सिलेक्शन का इंटू सी, क्योंकि सी पे हमने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पे टू के वन इंटू ए बाय वी। अब सी की वैल्यू यहां से निकालनी है, कैसे निकालेंगे? पर हमें एक और चीज दी हुई है जो हमने भूलनी नहीं है, वो है के इनवर्स सी काफी बड़ा है के टू ए से, मतलब ये वाला जो के टू ए है इससे ये वाली टर्म काफी ज्यादा बड़ी है। अगर ऐसी कोई ये वाली टर्म बहुत छोटी है वो भी एड एडिशन में, सो वी कैन इग्नोर दिस। इसी का मतलब यही दिया होता है कि इसको इग्नोर करो और सिर्फ इसको लिखते हुए चलो। तो यहाँ पे हमने लिख लिया टू ए इनवर्स इंटू सी स्क्वायर, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे बिकॉज वी आर गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। यहां से हम सी स्क्वायर निकालेंगे जो कि आएगा टू के वन ए इंटू बी टू के इनवर्स, ठीक है। यहां से हमें सी स्क्वायर मिल गया, टू से टू कैंसल हो जाएगा और ये हमें मिल गया। और हमें रेट जो है वो क्या दिया जाता है, क्या दिया हुआ है, के टू ए सी। हमने तो सी स्क्वायर निकाल दिया, कर दो यहाँ पे हाफ 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 हाफ, करो पुट वहां पे सी की वैल्यू क्या है, के वन हाफ इंटू ए हाफ इंटू बी हाफ डिवाइडेड बाय के इनवर्स हाफ। हमें इसके से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो ए की बी ओ की वैल्यू से मतलब है, क्योंकि हमने रेट निकालना है अगर वो डबल हो जाए। तो इसको हम साइड में लिख लेंगे के टू के वन हाफ के इनवर्स हाफ इंटू ए ए हाफ बी हाफ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेट आएगा वो क्या आएगा, ये तो इसको तो हम एज सच ही लिखेंगे, कॉन्स्टेंट है। तो ए वन प्लस हाफ कितना हो गया, ए कितना हो गया, टू बाय थ्री हो गया, टू बाय थ्री होगा ना, वन प्लस हाफ के थ्री, सॉरी थ्री बाय टू होगा, थ्री बाय टू। और बी जो है वो क्या है, हाफ। हमें इसी से मतलब है, इसको तो हम सीधा के भी पुट कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन। बस होने वाला है क्वेश्चन कंप्लीट। इससे इस क्वेश्चन से आपके काफी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इम्पोर्टेंट था ये काफी। तो इसको मैं एक बड़ा के लिख रही हूँ, कॉन्स्टेंट है, कुछ भी लिख लो, ए थ्री बाय टू एंड बी हाफ। हमें क्या कंडीशन दी हुई है, डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्शन ऑफ डी, रेट कैसे चेंज होगा। अब मैंने क्या किया, इसकी कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया, के 2a 3 by 2 b half, ठीक है। r डैश कैसे होगा चेंज वो देखना है हमें, k से k कैंसल हो गया, b half से b half कैंसल हो गया, अब यहाँ आ गया r by r डैश a 3 by 2, और ये जो होता है 2 3 by 2 a 3 by 2, इससे इससे कैंसल हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो रेट है आर डैश वो किसके इक्वल हो रहा है, टू अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ पुराने वाला रेट, ठीक है ना। नया वाला रेट जो है वो क्या हो गया, टू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू टाइम्स हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो आना था वो आना था टू अंडर रूट टू टाइम्स, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।